सो हैलो एवरीवान एंड वेलकम टू माई चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सबसे डिस्कस करेंगे दट हाउ यू फाइंड और हाउ यू रजिस्टर योर स्टूडेंट आई डी और हाउ यू गेट योर स्टूडेंट आई डी फ्राम यू जी सी राइट अगर आप अपने कॉलेज में गए थे एंड आपको अपने कॉलेज में बताया गया कि वी डोंट हैव एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट आई डी क्रिएशन और एनी थिंग और वी डोंट नो हाउ टू क्रिएट द स्टूडेंट आई डी ये ब, आपको कहा जा सकता है क्योंकि जी पैट स्टाइप फ्रॉम यू जी सी और फ्रॉम द कैनरा बैंक पोर्टल इज न्यू दिस दिसर क्योंकि कुछ दिनों पहले आप सबने आपको पता होगा यू जी सी ने डिक्लेयर किया या फिर पी सी आई ने डिक्लेयर किया कि दू जी सी जो पोर्टल है स्कॉलरशिप का वहाँ पे दिया गया है कि द नाउ द एम फॉर्म स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर जी पैट स्कॉलरशिप यू जी सी की तरफ से दिया जाएगा राइट तो वो बहुत परेशान है कि लाइक वहाँ पे हम लोग जैसे ही कैनरा बैंक के पोर्टल में रजिस्टर करेंगे हमको बताया जाएगा कि रू स्टूडेंट आई डी नहीं है वट इज़ योर स्टूडेंट आई डी तो मोस्टली स्टूडेंट आई डी एक होता है स्टूडेंट आई डी को कैसे पता लगेगा स्टूडेंट आई डी कौन सा है कहाँ से है उसके ऊपर जितना हो सके मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ऑल दो यहाँ पर मैं क्लियर कर दू देर इज नो क्लियर नोटिफिकेशन और क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर दिस ईयर टिल नाउ रिगार्डिंग जी पैट आदर्स के लिए ऑफ डेफिनेटली है जैसे कि जैसे आप डी या फिर जी आर एफ एन सी एस आई आर नेट देते हो तो वहाँ पे अवार्ड लेटर जैसे आ जाता है आपका लाइक रिजल्ट के बाद अवार्ड लेटर आ जाता है तो अवार्ड लेटर आ जाता है अवार्ड लेटर आ जाने का मतलब है आपको यहाँ पे अवार्ड लेटर मतलब पी एच डी अवार्डेड लेटर तो मतलब आपने पर्टिकुलरली इस पी पी एच डी ने अपने एनरोल कर लिया उसके बाद विद इन सेवन डेज आपका यूजर आई डी क्रिएट हो जाता है तो आप जैसे अपना नाम करके सर्च करते हो आपका दिखा देता है यूज़र आई डी क्या है लेकिन हमारे केस में क्या है हम लोग कैसे करेंगे क्योंकि हमारे तो कुछ अवार्ड लेटर ऐसे है नहीं राइट right? तो हमारे केस में जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है मान लो किसी भी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो उस पर्टिकुलर कॉलेज को ही आ, ये स्टेप लेना होगा द क्लियर इंस्ट्रक्शन ऐसा ही है आ, कि द कॉलेज और यूनिवर्सिटी विल टेक एक्शन टू मेक दिस स्टूडेंट यूजर आई फॉर द स्टूडेंट्स क्योंकि यू ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगा जो लेकिन वो करेंगे अपने कॉलेज या फिर आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी वो उस पोर्टल पे एज ए कॉलेज लॉगिन करेंगे एंड जितने भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एम फार्म के पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर में एडमिशन लिए हैं उनके डिटेल्स देकर उनको वो यूजर आई उनसे लेना है यूजीसी के पोर्टल से अब वो ऐसे आपको बता रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं या फिर ये इसका रीजन यही है क्योंकि अभी तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस के पास नहीं पहुंचे हैं कि हाँ आप इस प्रोसेस से यूजर आइडी बनाने स्टार्ट कर दीजिए ठीक है जो नॉर्मली पी एच डी वगैरह के लिए हो जाता है जैसे इनको अवार्ड लेटर मिल जाता है वो होता है लेकिन अभी तक जी पैट को लेकर ऐसे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो पहले वाला था यहाँ पे एक था लेकिन मैं अपडेटेड की बात करूँ यहाँ पे अपडेटेड एक दिया गया है गाइडलाइंस जहाँ पे जी पैड को भी ऐड किया गया है यहाँ पे देख सकते हो आप स्कॉलर्स कॉर्नर पे ये रिवाइज्ड पेज है पहले के पेज में ये हमारा पी जी स्कॉलरशिप और एम फॉर्म ये नहीं था तो अभी इसमें है तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है द स्कॉलर में विजिट आपको इस पे जाना होगा ये तो प्रोसेस है भला हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट आईडी तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है आप देख सकते हो यहाँ पे द देर इज एन ऑप्शन टू फाइंड द स्टूडेंट आईडी आल्सो बट द स्टूडेंट आईडी डी एज रजिस्टर्ड विद द यूनिवर्सिटी अंडर द यूजीसी पोर्टल मतलब यूनिवर्सिटी में हम लोग जिस स्टूडेंट आईडी से हम लोगों का रजिस्टर होगा वो यूनिवर्सिटी यूजीसी पोर्टल में वो एंटर करेंगे ठीक है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को वो एंटर करना पड़ेगा स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ को क्योंकि कॉलेज से वो सारे डेटाज यूनिवर्सिटी पे जाते हैं एंड यूनिवर्सिटी ही वो एक्शन लेते हैं यूनिवर्सिटी वो सारा डेटा या फिर वो जो स्टार है स्टूडेंट आई से उनको यू के पोर्टल में रजिस्टर करते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है इसने एनरोल किया है इन एम फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स और ये इसका स्टूडेंट आईडी क्रिएट किया गया है तो वो वहाँ पे किया जाएगा ठीक है वो अप्रूव किया जाएगा वो होगा आपका स्टूडेंट आईडी अब वो लाइक दोजू डोंट नो वो तो आप सर्च कर सकते हो आपका स्टूडेंट आईडी कैसे सर्च कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ बट ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ये डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं करेंगे विथ यू जी पोर्टल ठीक है बाकी जो डिटेल्स है ये आप सबको पता है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है प्रोसेस के ऊपर आप जाके देख सकते हो लेकिन ये पहला स्टेप है क्योंकि पहला स्टेप ही अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग लॉग कैसे करेंगे ठीक है किसी किसी ने लॉग तो कर लिया बट उनको बताया जा रहा है कि एन एस के तरफ से दिया जाएगा तो देर इज नो नोटिफिकेशन क्लियर इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है दिस ईयर क्या प्रॉब्लम्स है इनका अगर दे रहे हैं तो पी को दे दो पैसा पीछे दे देंगे और नहीं तो यू अगर देंगे तो यू जैसे लाइक पी स्टूडेंट्स को देते हैं उसी तरीके से दिया जाए तो देखो सिंपल सी बात है यूजीसी का स्टाइपेंट में प्रॉब्लम तो होते हैं मैंने पी के स्टाइपेंट के लिए देखा है मैंने खुद देखा है पर्सनल भी देखा है प्रॉब्लम्स तो बहुत होते हैं लाइक like, इससे बेटर है हम लोग आई सी आई सी टी स्टाइपेंट जो मिलते थे जीपैट के लिए या फिर गेट के लिए वो बहुत बेटर था इससे मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होते हैं लेकिन लेक कोई इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं आ जाता ये सबसे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है राइट तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट आई को कैसे ढूंढते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट आई डी फॉर कैन यू जी सी कैनरा बैंक स्कॉलरशिप इसको आप लिखोगे तो आप पहले आ जाएगा आप यहाँ सर्च कर सकते हो सबसे पहले स्कीम पे चले जाना फिर नीचे आओगे तो देख सकते हो पी जी गेट नाम की ये है पी जी स्कॉलरशिप फॉर एम ई एम टेक एम फॉट टू गेट और जी पैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ये एक दिया गया है ठीक है फिर अपना नाम या मोबाइल नंबर इन दोनों को दे देना और सर्च कर लेना या फिर ईमेल जो भी देना चाहते हो दे देना फिर सर्च कर लेना अगर कुछ भी होगा तो यहाँ पे शो होगा मैक्सिमम केसेस पर नहीं होगा लेकिन अगर किसी कॉलेज ने किया है ऑलरेडी या यूनिवर्सिटी ने किया है ऑलरेडी तो इसको सर्च करने के बाद आपका ईमेल मेल यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिखेगा ठीक है उस पर से आप लोग आ, अपना स्टूडेंट आई को जान सकते हो या स्टूडेंट आई को यूज़ करके आप कैनरा बैंक पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो एस एस एफ एम एफ पे यहाँ पे जाना उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जाना ओके स्कॉलर्स रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे पहले तो स्कीम सिलेक्ट कर लेना फॉर एम ई एम फॉर्म एम टेक फिर यहाँ पे स्टूडेंट आई डी दे देना ओके स्टूडेंट आई डी डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ दे के आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो रजिस्टर करने के बाद लॉग इन कर सकते हो लॉग इन करने के बाद वेरिफिकेशन होगा उनकी तरफ से लेकिन अभी आ, इसका कुछ किया जा नहीं सकता अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको कुछ कॉपरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है एंड जो भी कॉपरेट कर रहे हैं आप कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना क्योंकि मेरे कॉमेंट बॉक्स पर लिखने से हो सकता है मैं मुझे कोई हेल्प ना हो लेकिन अदर्स जो स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे उनको हेल्प होगा सब कमेंट करो आपका कॉलेज क्या बोल रहे हैं इसको लेकर जीपैट स्टाइपेंट को लेकर अगर वीडियोस पे कमेंट करोगे तो ही एक पर्टिकुलर पंजाब के स्टूडेंट को पता चलेगा कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है क्या बताया जा रहा है उनको तो पूरे इंडिया को तभी पता चलेगा पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को कि किस स्टेट में किस कॉलेज में क्या सिचुएशन है क्या बताया जा रहा है उनको तो सभी कमेंट करो तभी पता चलेगा देखो मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि मैं मुझे व्यू के लिए बनाऊँ मेरा मोटिव है कि मुझे जितना पता है क्योंकि मैं खुद इस पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट से स्कॉलरशिप लेता हूँ हालांकि नॉट जीप स्कॉलरशिप तो स्टाइपेंड मैं में लेता हूँ तो ये मुझे इसके बारे में जनरल तो पता है लेकिन जीपैट को लेकर ये लोग क्या करेंगे ये मुझे आइडिया नहीं है अभी तक क्योंकि एक पर्टिकुलर जब तक कुछ दे नहीं देता कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है कॉलेज वालों को नहीं मिलेंगे कुछ कुछ कह रहे हैं कि ये गेट वालों के लिए है जीपैट वालों के नहीं है कन्फ्यूजन बहुत है लेकिन पी ने अभी तक कहा है कि यही देंगे तो हम लोग यही मान के चलना पड़ेगा कि यही देंगे अगर पी से कुछ दूसरे चीज आ जाता है बट मुझे नहीं लगता कुछ आया क्योंकि दे वर टोटली अनवेर ऑफ दिस जी पैट स्कॉलरशिप इशू मुझे नहीं पता क्यों बट उनको शायद पता ही नहीं है कि जी पैट स्कॉलरशिप को लेकर स्टूडेंट्स आर गेटिंग फेसिंग प्रॉब्लम ठीक है तो आप कॉमेंट जरूर करो सबको पता चले कि, कि किसके कॉलेज में क्या कह रहे हैं थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल